किरण जाधव भी हमारे साथ हैं और संदीप वागले भी. किरण, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? आफ्टरनून अर्षदा जी, मुझे लगता है कि बाय करके ही चलना चाहिए. 9960 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट्स के लिए 10,080 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए कल या परसों सवेरे तक. ओके, तो किरण बताइए आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक क्या करंट लेवल्स पर अगर कोई खरीदता है और पैसे बनने के चांसेस हैं? पहले आईडीएफसी पे बात करेंगे. बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग के बाद ये आज एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है. ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी करीबन 11.5% बढ़ती नजर आ रही है और पिछला जो स्विंग टॉप था 63 का ये इसने क्रॉस किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ. तो कुल मिला के एक अच्छा बाय बनता है. कल तक के लिए 68-69 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर हमारा व्यू थोड़ा सा लंबा है तो आपको करीबन 77-78 के टारगेट देखने मिलेंगे जो अगले डेढ़ महीने में. आईडीएफसी बैंक की बात करें तो मेरा मानना है कि आईडीएफसी बैंक में भी कुछ अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए. इधर भी एक मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 64-64.50 के टारगेट देखने मिल जाने चाहिए, वो भी अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर. तो वो है इन्फीबीम. इन्फीबीम में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है अभी कुछ मिनट पहले मेरी स्क्रीन पर हुआ है. वो हुआ है 9,50,000, यूं कह सकते हैं राउंड फिगर 10 लाख शेयरों के आसपास का एक ट्रेड हुआ एनएससी पर. यहाँ एनएससी पर देखिए 66 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है. 10 लाख शेयरों का ये एक बड़ा ट्रेड इन्फीबीम में मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है. 1.83 पौने 2% से ज़्यादा, 2% के करीब हिस्सेदारी बदली है. 2% के आसपास की हिस्सेदारी बदलना बड़ा कहा जाएगा इन्फीबीम के लिए. अच्छी बड़ी साइज की हिस्सेदारी बदली है और ये हुआ है 125.55 रुपये के आसपास. स्टॉक उससे ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये डील होने के बाद सेलिंग प्रेशर खत्म होता हुआ दिख रहा है. स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ तो नजर आ रहा है इस वक्त. बताएं किरण, इसके चार्ट देखकर इन्फीबीम क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? नहीं अनिल जी, कोई चार्ट पैटर्न में प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है. शायद सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता नजर आ रहा है और बेस्ट केस सिनेरियो 128-128.50 के जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो टेस्ट हो सकते हैं. इसके ऊपर अगर चलता है तभी हमारा व्यू थोड़ा सा बदलता नजर आएंगे. किरण जाधव हमारे साथ हैं, लेते हैं उनकी राय. बताए किरण, तेजी करेंगे? बिल्कुल तेजी करके ही चलना चाहिए अनिल जी. पीवीआर मेरा पहला काउंटर रहेगा जहाँ पे बाय करने की सलाह. 1350 का स्टॉप लॉस सेस किया था, अभी 1360 का भी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक बढ़ गया है और मेरा टारगेट 1420 से 1440 के देखने को मिल जाने चाहिए, वो भी कल भी. दूसरा हाई कन्विक्शन कॉल है बाटा. बाटा बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है. अगर हम लंबे चार्ट देखते हैं तो इसने एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया हुआ है. लास्ट टॉप हुआ था वो करीबन जनवरी 2015 में हुआ था, वही टॉप परसों पिछले महीने हमने देखा था करीबन 750-50 का था और कल भी हमने ये देखा था कि 750 टेस्ट किया था, उधर करेक्ट किया और आज आखिरी एक घंटे में इसने 750 का जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था वो बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से क्रॉस किया है. तो ये स्टॉक अनस्टॉपेबल रहेगा शायद अगले एक हफ्ते के लिए और ये सीरीज के लिए. तो मेरा मानना है कि बाटा में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी. मेरे कल के लिए टारगेट 770-775 के देखने को मिलेंगे और इस ट्रेड के लिए 750 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा. ओके, फिर भी लग रहा है किरण इसके चार्ट देखिए आईबिल हाउसिंग, ये खरीदा जाए बीटीएसटी के तौर पर क्या? आईबुल हाउसिंग मुझे लगता है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है और मुझे इधर अगर कंपेयर करते तो मुझे लगता है कि इंडियाबुल रियल इस्टेट ही अच्छा है. पर अगर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इधर से छोटा सा रेजिस्टेंस है 1280-1285 का. ये अगर क्रॉस कर देता है तो 1300-1310 के टारगेट्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए. तो ये शायद आज क्रॉस नहीं करे पर कल अगर 1280 क्रॉस करता है तो एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी. 1310 के टारगेट देखने जरूर मिल जाने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए. आज से ये आजकल का मामला नहीं है, थोड़ा लंबा खरीदना तो खरीद. ये स्टॉक क्या हुआ, इसको 4.5% गिरा है. फोर्टिस 150 पर आ गया, 160 से सीधा लुढ़कता क्या हो रहा है इसमें, जरा इसके चार्ट देखिए किरण. देखिए अनिल जी, जो रैली हमने देखी थी 145-155-157 तक, इसमें वॉल्यूम्स को ही ज्यादा अच्छे देखने नहीं मिल रहे थे, पर अभी ये गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं. तो सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड का सिनेरियो बिल्कुल हावी होता नजर आ रहा है और वैसे भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है. तो मेरा मानना है कि आते दिनों में वापस ये जो इसका एक जो बेस बना था 143-144 का वो टेस्ट होता नजर आएगा.
तो इस इसमें निवेश करने में कोई मुझे मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। किरण, फटाफट मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक पर नजर डालिए क्योंकि इसमें एक मोमेंटम आया 2.5% ऊपर। मोतीलाल बिल्कुल बहुत स्ट्रांग, सही पकड़ा है हर्षदा जी आपने, एक बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे कंसल्टेशन के बाद निकला है। 1440 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा पर यही सही स्टॉप लॉस है और टारगेट्स के लिए हम कल तक के लिए करीबन 1520 1530 के भी देखने को मिल सकता है।